नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि एक बैग जो सीमेंट हम लोग मार्केट से लाते हैं तो कंक्रीट बनाने के लिए हमें कितना बैग या टेगाड़ी आपका या तसला बोल दीजिए बालू लगेगा, कितना बैग या तसला टेगाड़ी आपका गिट्टी लगेगा। ठीक है, ये बहुत लोग नहीं जानते हैं। और साथ साथ हम इस वीडियो में दूसरा भी पॉइंट पे बात किए हैं कि अगर हम लोग को फाउंडेशन बनाना है, कॉलम बीम स्लैब बनाना है, तो मसाला बनाने का बेस्ट और सेफ रेशियो क्या होता है अकॉर्डिंग टू द IS कोड, ठीक है, और सिविल इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, अगर नहीं पता होगा तो आज के बाद आपको पता चल जाएगा कि एक बैग सीमेंट में कितना तसला टेगाड़ी बालू गिट्टी मिलाना चाहिए मसाला बनाने के लिए और क्या इसका अनुपात होता है। ठीक है, ताकि आपको जब भी कॉन्ट्रैक्टर मसाला में गड़बड़ी करे तो आप पकड़ सकेंगे, या खुद से बनवा रहे हैं और लेबर को दे रहे हैं तो पता होना चाहिए जी। ठीक है, चलिए वीडियो को करते हैं। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे सबसे पहले इसमें कंक्रीट ग्रेड रेशियो, जो हम लोग मसाला बनाते हैं साला उसका अनुपात। ठीक है, तो दोस्तों प्लेन कंक्रीट बनवाते हैं तो 1:4:8 लोग रखते हैं या 1:3:6 रखते हैं। और दोस्तों अगर फाउंडेशन के लिए, फुटिंग के लिए, स्लैब के लिए अगर कंक्रीट बनवाते हैं आप लोग तो दोस्तों M20 और M25 ग्रेड बेस्ट होता है अकॉर्डिंग टू द इंजीनियरिंग। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम आपको यहाँ पे बता देंगे कितना तसला लगेगा। ठीक है, एक बोरा सीमेंट में बालू और गिट्टी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो फाउंडेशन स्लैब कॉलम बीम के लिए बेस्ट होता है, यानी कि एक बैग अगर आप सीमेंट ले रहे हैं तो इसका 1.5 बैग आपका बालू लगेगा और इसका 3 बैग आपको गिट्टी लगेगा। ठीक है, और अगर M25 का बनवा रहे हैं मसाला रेशियो तो 1 बैग सीमेंट और इसका 1 बैग आपका लगेगा बालू और 2 बैग आपका गिट्टी लगेगा। ठीक है, अब यहां से शुरुआत होता है 1 बैग सीमेंट बराबर दोस्तों 50 kg होता है। ठीक है, अगर हम इसको तसला में बात कर ले तो यानी कि 3 तसला या टेगाड़ी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम यहां से M20 ग्रेड का जो रेशियो है, रेशियो M20 कंक्रीट ग्रेड का पहले बता देते हैं क्योंकि ये बेस्ट होता है स्लैब कॉलम बीम फुटिंग के लिए, मसाला का रेशियो है। ठीक है, तो 1, 1.5, 3 एक बैग सीमेंट लेना है तो 1.5 बैग आपका बालू और 3 बैग आपका क्या रहेगा, गिट्टी रहेगा। तो 1 बैग बराबर आपका सीमेंट जो है, सीमेंट का रेशियो 1 बैग वह 50 kg है। ठीक है, तो इसका 1.5 बैग कितना होगा, बालू होगा, 1.5 बैग बालू, तो ये कितना हो जाएगा, 50 का 1.5 करेंगे गुना यानी 75 kg बालू हो गया जिसको सैंड बोलते हैं, और 3 गुना गिट्टी तो ये 150 kg हो गया जिसको हम लोग बैग में भी मेजरमेंट कर सकते हैं। अब हम यहाँ से निकालेंगे कि कितना तसला या टेगाड़ी होगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीमेंट बराबर 1 बैग बराबर 50 kg हो गया। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको दोस्तों ये भी जानना होगा कि एक तसला में कितना या एक टेगाड़ी में कितना केजी अटता है, तो 16.9 kg आपका बालू गिट्टी सीमेंट अटता है। ठीक है, जब हमको ये चीज़ पता हो गया तो यहाँ पे 1 बैग में 50 kg सीमेंट होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 50 kg है इसको हम लोग 16.69 एक तसला से डिवाइड कर देंगे केजी से। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 50 / 1 एक तसला में 16.9 kg आता है, तो यह लमसम 3 आपका क्या हो गया, लमसम 3 तसला या टेगाड़ी आपका क्या आएगा, सीमेंट आएगा। ठीक है, अगर हम दोस्तों सेकेंड पॉइंट में बात कर ले तो सैंड है, सैंड यानी बालू, तो ये आपका 1.5 गुना है सीमेंट का, 1.5 गुना, तो सीमेंट का 1.5 गुना कितना होगा, 50 का 1.5 गुना कर देंगे तो 75 kg हो जाएगा। ठीक है, तो 75 kg हो गया और एक तसला में मुझे मालूम है 16.9 kg क्या होता है, बालू अटता है।
तसला में निकालने के लिए आपको दोस्तों 75 केजी डिवाइडेड बाय 16.9 एक तसला का कैपेसिटी है, तो ये 4.4 है, तो लमसम हम इसको क्या कर सकते हैं, 5 तसला या टेगारी बोल दीजिए, ठीक है। अब बात कर लेंगे 3 गुना गिट्टी, तो गिट्टी को हम लोग इंग्लिश में एग्रीगेट बोलते हैं, ठीक है, यानी कि गिट्टी, तो ये 3 गुना, तो 50 केजी यानी एक बोरा सीमेंट का 3 गुना, तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 150 केजी, ठीक है, गिट्टी लगेगा। तो अब इसको तसला में बदलना है, तो एक तसला में 16.9 केजी आपका क्या हटता है, गिट्टी हटेगा। देखिए 150 केजी, 150 केजी डिवाइडेड बाय 16.9 केजी आपका एक तसला का है, तो जब भाग दे देंगे तो यह 8.87 है, तो हम इसको अप्रॉक्स 9 तसला या टेगारी क्या हटेगा, गिट्टी हटेगा, ठीक है। और ये दोस्तों हम अभी जो बताए हैं वो आपको M20 कंक्रीट ग्रेड का रेशियो यानी अनुपात बताए हैं मसाला का टेगारी में मापने का, ठीक है, जो कि बहुत आदमी को नहीं पता होता है, तो कॉन्ट्रैक्टर लोग गड़बड़ सड़बड़ करते हैं मसाला के अनुपात में, जो कि हमारा जो स्ट्रेंथ जितना देना चाहिए कंक्रीट का कॉलम बीम स्लैब के लिए वो कमज़ोर हो जाता है T5 ग्रेड का, ठीक है। अभी हम बात किए थे M20 का, जो कि एक बेस्ट और सेफ माना जाता है मसाला का रेशियो कंक्रीट बनाने का, तो बहुत लोग बनवाते हैं जब हैवी स्ट्रक्चर आपका बनाना रहता है वहाँ पे M20 ग्रेड का यूज करते हैं 5 से 10 मंजिल घर के लिए, तो उसका जो रेशियो है एक बैग अगर सीमेंट लेते हैं तो आपका एक बैग आपका क्या लेना पड़ेगा, बालू लेना पड़ेगा, और उसका सीमेंट का दोगुना आपका गिट्टी लेना पड़ेगा। तो अभी हम बताए थे एक बैग में कितना 50 केजी सीमेंट आता है, तो हमें 50 केजी बालू लेना है, ठीक है, एक एक दो का रेशियो होता है, एक बैग अगर सीमेंट ले रहे हैं तो 50 केजी हो गया एक बैग में, तो उसका एक ही रेशियो आपका बालू लेना है, तो ये भी 50 केजी हो गया, ठीक है, और दो गुना आपका गिट्टी लेना है तो ये 100 केजी हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सीमेंट टेगारी में हमें नापना है, तो इसको क्या करेंगे, जैसे कि अभी हम पता किए थे एक बैग सीमेंट जो 50 केजी आता है उसमें 3 तसला क्या आता है आपका या टेगारी, तसला, या इसको हिंदी में टेगारी भी बोल सकते हैं या तसला भी बोल सकते हैं, तो 3 तसला आपका क्या आ गया, सीमेंट आ गया, सैंड यानी कि बालू, तो बालू आपका 50 केजी, तो ये भी 3 तसला या टेगारी हिंदी में लिख देते हैं आएगा। अब गिट्टी का बात कर ले, जिसको हम लोग एग्रीगेट बोलते हैं, तो यह दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 तसला हो गया सीमेंट, 3 तसला बालू, और इसका सीमेंट का 2 गुना गिट्टी है, तो 6 तसला या टेगारी आपका क्या हो जाएगा, गिट्टी हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड हम आशा करते हैं आप लोग से हमारा बताया हुआ जानकारी आप लोग को जरूर हेल्पफुल लगेगा, या जब भी प्लानिंग कर रहे हो घर का बनाने का तो मसाला बनाने टाइम पे आप जरूर ध्यान देंगे। तो प्लीज आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है। एक सब्सक्राइब आप लोग करेंगे इससे मुझे पैसा नहीं मिलने वाला है, एक मोटिवेट मिलता है, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।